हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को कांग्रेस हाईकमान ने अब एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें पार्टी हाईकमान ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता नियुक्त किया है। राठौर को हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाकर हाईकमान ने सांसद प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष नियुक्त किया। इसी बीच बुधवार को राठौर ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से 20 मिनट तक मुलाकात की, जिसके बाद देर शाम उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता नियुक्त किया जाने से लिखित आदेश फिलहाल जारी हो चुके हैं। इस कुलदीप सिंह राठौर के कार्य प्रणाली को हाईकमान ने भी सराहा है। उनकी अध्यक्षता में पार्टी ने 4 उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही उनके नेतृत्व में 2 नगर निगम चुनाव में भी जीत पार्टी ने दर्ज की थी। आखिर कौन है कुलदीप सिंह राठौर, उनका राजनीतिक सफर क्या है, अब समझिए। कुलदीप सिंह राठौर पेशे से कुलदीप सिंह राठौर वकील है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय संगठन में भी इन्होंने काम किया। जनवरी 2019 में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष वो बने थे। 2 नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत इन्होंने दिलवाई, उपचुनाव में भी 4-0 से पार्टी को जीत हाल ही में दिलवाई थी, और 2022 में AICC के प्रवक्ता नियुक्त अब किए गए हैं। तो कुलदीप सिंह राठौर के राजनीतिक करियर की हम आपको जानकारी दे रहे हैं, और वो हाल ही में दिल्ली आए थे, सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की। उनके दिल्ली दौरे के बाद हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चाएं बहुत तेज हो गई थी। उसके बाद सांसद प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, और अब कुलदीप सिंह राठौर को एक नई जिम्मेदारी दी गई है। नई जिम्मेदारी क्या, दरअसल AICC के अब प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह राठौर कहाँ के रहने वाले, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग के रहने वाले हैं। कुमार सिंह जगह का नाम, पेशे से वकील। राष्ट्रीय संगठन में भी कुलदीप सिंह राठौर ने काम किया। इसके अलावा जनवरी 2019 में हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर बने थे। 2 नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलवाई थी। इसके अलावा हाल ही में 2021 में 1 मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उसमें भी कांग्रेस को जीत इनके नेतृत्व में मिली थी।